तो दोस्तों पहले आपको स्टार्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्च में सर्च करना है RUN, प्रेस रन, फिर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको एक रन का बॉक्स ओपन होगा। इसमें ओपन में आपको सर्च करना है। मैंने ऑलरेडी सर्च किया है इसलिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे सर्च है। आपको इसमें लिखना है CMD। CMD लिखने के बाद ओके पे क्लिक करो। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक CMD कमांड लैंग्वेज ओपन हो जाएगा। उस पर आपको टाइप करना है ipconfig। ipcon means ip configuration। तो आपको सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट पे टाइप करना है ipconfig। तो आप ipconfig टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जब भी आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस साव हो जाएगा। इसमें सिर्फ कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं साव होगा, यहाँ पे आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका आपको आईपी एड्रेस दिखा दिया जाएगा। यानी कि आपका पीसी का आईपी, आप कौन सा ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हो उसका आईपी एड्रेस, आप वाईफाई यूज़ करते हो तो उसका आईपी एड्रेस, सारे के आईपी एड्रेस इसमें साव हो जाएगी। तो ये पहली टेक्निक है जिससे आप वेबसाइट ओपन किए बिना आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करें। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये बहुत सिंपल सी है टेक्निक, ये सभी को आ जाएगी आप ये वीडियो देखेंगे तो। तो ये पहली टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है वेबसाइट ओपन करके आईपी एड्रेस कैसे देखें। तो दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा वेबसाइट ओपन करके आप यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, वहाँ पे जाए। मैं आपको डायरेक्टली एक वेबसाइट दूंगा और उसमें आप जा के क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका आईपी एड्रेस साव हो जाएगा। बट सिर्फ आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस साव होगा, दूसरा कोई आईपी एड्रेस साव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहले अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पे URL में लिखिए whatismyip.com। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका आईपी एड्रेस आपके सामने डायरेक्टली आ जाएगा। आपको कोई भी मेनू पे क्लिक नहीं करना है और ये आ गया आपका आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस में आपको नीचे सिटी का नाम भी साव होगा, स्टेट का नाम भी साव होगा, कंट्री कौन सी है वो भी साव होगा, और आप ISP में आपका कौन सा ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं वो दिखाया जाएगा। बट वेबसाइट में आपको सिर्फ 5 times तक आईपी एड्रेस शो होगा, क्योंकि उसके बाद ऐसी कुछ, उसके बाद ये वेबसाइट आपको आईपी एड्रेस नहीं दिखाएगी। उसके बाद आपको वेबसाइट में साइन अप करना पड़ेगा। ओके, तो कुछ ऐसा दिखेगा वेबसाइट में, योर हैव व्यूड द पेज 5 times, आपने 5 times ये पेज देख लिया है, योर लुकअप लिमिट हैज़ बीन रीच, आपकी लिमिट ओवर हो चुकी है, आपकी लिमिट यहाँ पे पूरी होती है, गेट मोर एक्सेस नाउ विद अ फ्री अकाउंट। ज़्यादा देखने के लिए आपको अकाउंट फ्री क्रिएट करना होगा और फिर साइन अप करना होगा। तो दोस्तों हमने 2 techniques सीखी है, पहले तो CMD में से कैसे आईपी फाइंड करें और दूसरे में वेबसाइट में से कैसे आईपी फाइंड करें। बट ये 2 techniques में कुछ कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पहली टेक्निक CMD में है वो आप में सारे आईपी साव हो जाएंगे, दूसरी टेक्निक वेबसाइट में आपको सिर्फ एक ही आईपी साव होगा। तो ये 2 options है मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आपके लिए बेस्ट टेक्निक है पहली CMD कमांड लैंग्वेज, उसमें से आप अपना आईपी एड्रेस देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरा वीडियो देखा, और ऐसे ही आप मेरा वीडियो देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। क्योंकि CMD में आपको नेट का यूज नहीं करना पड़ेगा, विदाउट वेबसाइट ओपन किए आप आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं।